India, for example. India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाही। मोदी सरकार इस बात के लिए बदनाम हो चुकी है कि टीवी पर शिकंजा कसने के बाद अब सोशल मीडिया पर बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है। जो उनके हिसाब से काम नहीं करता उनको डराया जाता है और धमकाया जाता है। पहले तो ये बात ढके छुपे होती थी, लेकिन अब ट्विटर के को फाउंडर ने ये इल्जाम लगाया है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसने मोदी सरकार पर तोहमत लगाकर सनसनी मचा दी है। उसने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के समय सरकार ने किस तरह से उसको दबाने और कुचलने के लिए, उनकी आवाज बंद करने के लिए हम पर दबाव डाला था। इससे मोदी सरकार पर बहुत फर्क पड़ेगा। इससे दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार किस तरह से इतने बड़े लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर जैसे ही आरोप लगे फौरन ही उधर से रिप्लाई आया और इनको झूठा साबित करार दे दिया। सरकार को छोड़कर उनके हिसाब से पूरी दुनिया ही झूठी है। उन पर पहले भी आरोप लगते रहते हैं कि वो मोदी सरकार सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ये देखिए कि ट्विटर के को फाउंडर ने उनके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल ट्विटर के को फाउंडर ने एक यूट्यूब पर इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव था कि जो लोग किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं, उनकी हक की जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनमें से एक सवाल ये था कि कभी आपके ऊपर किसी सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया? तो उनका जवाब ये था कि जी हाँ, बिल्कुल, भारत की तरफ से मुझ पर ऐसा दबाव था। भारत सरकार की तरफ से उनको धमकी दी गई कि उनके कर्मचारियों पर छापेमारी होगी या उनके घरों पर छापेमारी की बात कही गई, और उनसे कहा गया कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो छापेमारी भी हो सकती है, बाकी नियमों का पालन ना करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ है। ये उन लोगों के ऊपर था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे या जो किसान आंदोलन के सपोर्ट में बोल रहे थे। ये सब उनके लिए किया जा रहा था। ये रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से की गई थी कि हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों में रेड करेंगे, जो उन्होंने किया भी। ये रिक्वेस्ट कम और धमकी ज़्यादा लग रही है। डोरसी ने आगे कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपका ऑफिस भी बंद कर देंगे। उन्होंने तंज भी कसा कि ये है भारत जिसको लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। उन्होंने तो भारत की तुलना तुर्की से कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुर्की से भी कुछ इस तरह की धमकियां मिल रही थी जिस तरह से भारत से धमकियां दी जा रही थी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। मोदी के लोग चाहे कुछ भी दलील दे दे, लेकिन को फाउंडर की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो बात उन्होंने बोली है वो दुनिया सुनेगी और सुन रही है। डोरसी की आवाज़ बुलंद होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस जो कह रही है, विपक्ष जो कह रही है, क्या वो बात सही नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है? इससे और ज़्यादा आवाज़ में बुलंदी पैदा हो जाती है। आपको याद है कि फेसबुक के पूर्व कर्मचारी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था। उनका कहना था, उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ भाजपा सांसद से सीधे जुड़े अकाउंट के नेटवर्क को फेसबुक ने नहीं हटाया। सोफी ने बताया कि हमने 5 नेटवर्क में से 4 को हटा दिया। 5वें नेटवर्क को भी हम हटाने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने महसूस किया कि वो बीजेपी के एक बड़े नेता से जुड़ा था, वे लोकसभा सांसद भी थे। इस पर पता ही नहीं चला कि क्या किया जा रहा है। इस पर मुझे किसी से जवाब भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। सोफी के इन आरोपों को सरकार ने पहले भी झूठा और बेबुनियाद बताया था।
जबकि डोर्सी का भी कहना है कि ट्विटर को मोदी सरकार अपने तरीके से चला रही है। अब आप सोचिए कि जो विपक्षी नेता राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्षी नेता लोग क्या कहते हैं कि ये आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। अब जितने भी ट्विटर्स अकाउंट हैं या फेसबुक अकाउंट्स हैं उन सबको बंद करने की बात की जा रही है कि अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं या सरकार के बारे में बात ठीक से नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। जैसा कि ट्विटर हैंडल अकाउंट के बारे में उसके को फाउंडर का कहना है। यही नहीं, जब बीबीसी ने गुजरात फाइल्स बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उस पर भी कुछ दिनों के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर भी छापे पड़े थे क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। और इसी तरह अब भी ट्विटर के को फाउंडर जैक के साथ भी हो रहा है। उनको किसान आंदोलन के समय धमकाया गया था, या तो आप हमारे हिसाब से चलो या कार्रवाई के लिए तैयार रहो। डोर्से के बयान ने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी, तो विपक्ष कैसे शांत बैठ सकता था। कांग्रेस सांसद विवेक ने कहा है कि ये बीजेपी की प्रजातंत्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है। कितने भी शिलान्यास कर लीजिए पर इस बात को कैसे भूल गए। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा और सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उन्होंने किसानों को आतंकी कहा, उन्होंने किसानों को एंटी नेशनल कहा, उन्होंने किसानों पर लाठियां चार्ज कराई, उन्होंने किसानों को मरने दिया। उन्होंने संसद में विपक्षी दलों के मौन रखने की कोशिश की, उन्होंने किसान आंदोलन में आवाज़ बुलंद करने वालों की आवाज़ को सोशल मीडिया पर आवाज़ दबाने की कोशिश की। इतना होने के बावजूद किसानों ने सरकार के अहंकार को झुका दिया और सरकार को किसान अधिनियम वापस लेने के लिए मजबूर किया। वैसे ही मोदी सरकार चारों तरफ से अभी घिरी हुई है। हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहे हैं, वहीं अभी पहलवानों का जंतर मंतर पर 40 दिन का आंदोलन चला और अभी भी वो अदालत से फरियाद कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। उन्होंने मांग की है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। अब जैक डोर्से के आरोपों ने सरकार की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अच्छे दिन लाने के जुमले देने वाली सरकार के अपने ही दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। चलिए बस इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हम आगे किन मुद्दों पर बात करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बताइए कि हम किन मुद्दों पर बात करें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।